हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सनमन सहानी। आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th के इंग्लिश का चैप्टर इंडिगो, एंड ये चैप्टर लिखा है लुइस फिशर ने। मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी इस चैप्टर का। अगर ये वीडियो देख ली तो कोई एनसीईआरटी की नीड नहीं होगी आपको। और नोट्स चाहिए इस चैप्टर के या बाकी चैप्टर्स के इंग्लिश के, तो इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है, जाके आप ले सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है सारी इंग्लिश की वीडियोज़ की। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर लिखा है लुइस फिशर ने। लुइस फिशर ब्रिटिश आर्मी में भी काम करते थे और एक जर्नलिस्ट भी थे, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी महात्मा गांधी की लाइफ के ऊपर, जिसका नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे बेस्ट बुक है जो आज तक गांधी जी के ऊपर लिखी गई है। उसी में से एक एक्सर्प्ट लिया गया है। ये जो आपका चैप्टर इंडिगो है, ये उसी बुक का एक एक्सर्प्ट, एक्सर्प्ट मतलब छोटा सा पीस है। क्या होता है, स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट करते हैं 1942 के अंदर। जो लुइस फिशर हैं वो महात्मा गांधी के आश्रम में पहुंचते हैं उनसे बातचीत करने के लिए। और उस समय पे महात्मा गांधी उन्हें बताते हैं आश्रम कहाँ पे, सेवाग्राम में, सेंट्रल इंडिया में, वनमार करें, याद रखना, ठीक है। तो वहाँ पे गांधी जी और फिशर जी बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो गांधी जी बताते हैं कि कब वो दिन था जब उन्होंने ठान ली थी कि अब मैं ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगा के रहूँगा। वही सब हम इसके चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। गांधी जी बताते हैं कि 1917 के अंदर ही, 1917 के अंदर ही मैंने ठान लिया था, आई डिक्लेयर दैट ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगा दूंगा, मैं सबके साथ मिलकर इंडिया को यूनाइट करके ब्रिटिशर्स को भगाऊंगा। 1917 में गांधी जी ने ये डिसाइड कर लिया। अब ऐसा क्या हुआ जो गांधी जी इतने ज़्यादा पक्के हो गए थे, लेट्स स्टडी। तो क्या होता है, दिसंबर 1916 में गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल सेशन अटेंड करने जाते हैं। जो कांग्रेस पार्टी है ना, सब जो हमारी पुरानी वाली, पहले भी तो थी कांग्रेस, तो कांग्रेस के ना हर साल एनुअल सेशन होता है, का जो साल का आखिरी होता है उसमें एक सेशन होता है। तो गांधी जी भी उसे अटेंड करने जाते हैं दिसंबर में 1916 के अंदर। तो वहाँ पे क्या होता है, जब भी कांग्रेस का सेशन होता है वहाँ पे डेलीगेट्स मतलब बड़े समझदार इंग्लिश बोलने वाले, उस समय पे इंडिया में बहुत कम लोग होते थे जो इंग्लिश बोलते थे, एलाइट्स होते थे, तो वो डेलीगेट्स आए थे। कितने डेलीगेट्स आते हैं, 2301 डेलीगेट जाते हैं मीटिंग को अटेंड करने। उस मीटिंग में गांधी जी भी जाते हैं और वहाँ पे गांधी जी से मिलने एक पुअर पीजेंट फार्मर आता है। गांधी जी उसे पुअर कहते हैं, स्किनी कहते हैं, समझ जाओ इंडियन फार्मर है तो पुअर स्किनियों का बहुत बुरी हालत में थे उस समय पे फार्मर्स। तो आता है वो फार्मर, गांधी जी को कहता है मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, मैं चंपारण से आया हूँ और मैं आपसे मदद चाहता हूँ, हम बहुत ही बुरी हालत में हैं। आई एम अ शेयर क्रॉपर, वो बताता है। शेयर क्रॉपर कौन होता है, शेयर क्रॉपर वो होते हैं जो अपने लैंड पर काम करते हैं और अपने लैंड में से कुछ हिस्सा, जो कुछ भी वो फसल उगाते हैं, वो उनको रेंट की तरह देनी पड़ती है। तो दे हैव टू गिव अ परसेंट ऑफ देयर लैंड, या फिर जो लैंड पे से वो फसल निकालते हैं एज अ रेंट। तो वो शेयर क्रॉपर कहता है कि मैं बहुत ही प्रॉब्लम में हूँ, चंपारण के लोग प्रॉब्लम में, आप हमारी मदद कीजिए। उस समय पे गांधी जी को ये भी नहीं पता होता कि चंपारण का है। तो चंपारण का है नेपाल जो है ना, नेपाल के और जो हिमालयाज है उसके फुट हिल्स में ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट हैगी। चंपारण के पीजन हेल्प मांगने आते हैं। अब गांधी जी उस समय पर बहुत बिजी होते हैं, सेड दैट अभी तो मुझे कानपुर जाना है, फिर मुझे वहाँ जाना है, फिर मुझे वहाँ जाना है, मेरे पास अभी टाइम नहीं हैगा। तो कोई बात नहीं, जो राजकुमार शुक्ला होता है, जो हमारा पीजेंट होता है, वो गांधी जी का पीछा करता है। वो हर जगह गांधी जी के साथ में जाता है, वीक्स हफ्तों तक वो गांधी जी के साथ में रहता है। और लास्ट में जब गांधी जी अपने आश्रम में आते हैं साबरमती में, तो जब वो बैठे होते हैं वहाँ पर, तब जो शुक्ला है वो उनसे प्लीज़ करता है, वो उनसे बेग करता है कि प्लीज़ फिक्स अ डेट, एक डेट बता दो मुझे जब आप हमसे। तो गांधी जी कहते हैं ठीक है, मैं सुवेन से और डेट को कैलकटा आऊँगा, तो तुम वहाँ आके मुझसे मिल लेना, मैं अपना काम पूरा कर लूँगा, फिर हम चलेंगे चंपारण। तो ऐसा ही होता है, शुक्ला बहुत वेट करता है उस डेट का और वो उस दिन कैलकटा पहुँच जाते हैं गांधी जी को लेने। वो वेट करते हैं गांधी जी कब अपना काम ख़त्म करेंगे। जब गांधी जी बाहर आते हैं तो दोनों निकल पड़ते हैं चंपारण के लिए। अब वो पहले टिकट लेते हैं ट्रेन की, कहाँ की, पटना तक की, बिकॉज कोई डायरेक्ट ट्रेन तो नहीं होती है। तो वो पहले पटना बिहार पहुँचते हैं, एंड गौर गांधी जी और शुक्ला दोनों। अब जब वो पटना पहुँचते हैं तो शुक्ला जो है गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर पे लेकर जाते हैं। हु इज राजेंद्र प्रसाद, वो कुछ समय बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बनते हैं, एंड इनफैक्ट वो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट है, उन्हीं की बात हो रही है। सो जो राजेंद्र प्रसाद थे ना, ही वॉज अ लॉयर बाय प्रोफेशन, वो लॉयर थे, तो वो शुक्ला उनसे भी मदद मांगने जाता रहता था। तो इसलिए गांधी जी को लेकर वो राजेंद्र प्रसाद के घर पर जाते हैं। अब उस समय पर राजेंद्र प्रसाद जो है ना, वो अपने घर पर नहीं होते हैं, तो वहाँ का सिनेरियो हमें बताया हुआ है। तो जो उनके दो नौकर होते हैं वो शुक्ला को और गांधी जी को अंदर आने देते हैं, बिकॉज उन्हें पता होता है बुक में लिखा है पुअर यूमैन, तो उन्हें पता होता है ये पुअर फार्मर है जो हमारे मालिक से रोज मदद मांगने आता है, तो वो एंटर करने देते हैं। बट एक सिचुएशन बताई है कि वो गांधी जी को कुएं में से पानी नहीं पीने देते, बिकॉज उन्हें नहीं पता था गांधी जी अनटचेबल है या नहीं है। तो उस समय पर इंडिया के अंदर प्रेवलेंट थी क्या अनटचेबिलिटी, यानी कि मंदिरों के अंदर कुओं के अंदर जो कुएं का पानी है उसको एक्सेस नहीं करने देते अनटचेबल्स को। तो गांधी जी तक को जो उनके नौकर हैं वो वेल में से पानी नहीं पीने देते। अब क्या होता है, जब गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद जी नहीं मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो
शुक्ला को कहते तुम अपने घर जाओ, मैं जा रहा हूँ मुजफ्फरपुर फर्दर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो वो मुजफ्फरपुर में अपने एक फ्रेंड को टेलीग्राम करते हैं, कौन है उनके फ्रेंड, जे बी कृपलानी, ही वॉज अ प्रोफेसर, वो प्रोफेसर थे आर्ट्स कॉलेज के अंदर। वो उनको टेलीग्राम करते थे कि मैं आ रहा हूँ। तो 15 अप्रैल को 1917 को रात को गांधी जी पहुँचते हैं रेलवे स्टेशन पे, एंड उस रेलवे स्टेशन पे जे बी कृपलानी अपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ गांधी जी का वेट कर रहे होते हैं। अब गांधी जी 2 दिन तक मुजफ्फरपुर में रुकते हैं, और किसके घर पे रुकते हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर जिनका नाम था प्रोफेसर मलकानी, उनके घर पे रुकते हैं। तो उनके घर पे 2 दिन तक जब गांधी जी रुकते हैं ना, तो गांधी जी बताते हैं दैट ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात है कि किसी ने उस समय पे मुझे अपने घर में रुकवाया, क्योंकि वो एक ऐसा समय था अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई भी खड़ा हो रहा है और तुम मुझे अपने घर में जगह दे रहे हो तो यू आर ऑल्सो डूइंग अ क्राइम। तो उस समय पर जब मलकानी ने अपने घर में रुकाया गांधी जी को, ही सेड इट इज़ अ एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग कि एक एडवोकेट ऑफ होम रूल को तुम किसी ने अपने घर पर रुकाया है का। तो विद दिस मुजफ्फरपुर में गांधी जी 2 दिन रुकते हैं, और ये बात चंपारण के पीजेंट्स को पता चल जाती है, एक महात्मा नाम का इंसान आया है उनकी मदद करने के लिए, उन्हें प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। तो सब लोग पहुंच जाते हैं मुजफ्फरपुर गांधी जी को देखने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। क्या होता है, कोई अपने कन्वीनियंस पे, कोई पैदल चल के, बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है मुजफ्फरपुर के अंदर। ओके, और गांधी जी क्या करते हैं मुजफ्फरपुर में, खाली बैठने नहीं जाते हैं, वो वहाँ पे जो लॉयर्स होते हैं उनसे डिस्कस करते हैं केस के बारे में, बताओ क्या है, क्या चंपारण के पीजेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम है। तो वो सारा केस बताते हैं। उस समय पे गांधी जी बहुत डांटते हैं लॉयर्स को, क्योंकि जो लॉयर्स थे ना वो पीजेंट से काफ़ी सारा मोटी फीस रिसीव कर रहे थे। तो वो कहते हैं वो तो ऑलरेडी इतने गरीब है, तुम उनसे फीस क्यों ले रहे हो। और जब गांधी जी पूरा केस समझते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो केस है ना चंपारण के पीजेंट्स का, ये कोर्ट में जाके हल नहीं हो सकता है, इसका हमें दूसरा हल निकालना पड़ेगा, दैट वॉज फ्रीडम फ्रॉम फियर। गांधी जी कहते हैं, गांधी जी यही कह रहे थे कि ब्रिटिशर्स से अगर हमें आज़ादी चाहिए तो कोर्ट में जाके आज़ादी नहीं मिल सकती है। जो पीजेंट्स हैं वो अकेले में ही खुद बहुत स्ट्रॉन्ग थे, अगर वो उनके रूल को डिफाई करने लग जाए तो एक तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी हार हो जाएगी। तो ही सेड कि हमें कोर्ट में धक्के नहीं खाने हैं, हमें जो पीजेंट्स हैं उनको जागरूक करना है, वो डरना बंद कर दे लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिशर्स से, और अपने आप हमारी जीत हो जाएगी। तो गांधी जी ने एक नया कंक्लूजन निकाला कि मैं कोर्ट में धक्के नहीं खाऊंगा, आई विल मोटिवेट द पीजेंट्स। अब क्या होता है, अब गांधी जी को जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है चंपारण के बारे में वो पता चलती है, और हमें भी बताइए अब चैप्टर के अंदर, एक अनफेयर डील होती है बिटवीन द पीजेंट्स एंड बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स। ये जो चंपारण था ना, ये इंग्लिश एस्टेट्स में बटा हुआ था, बड़ी बड़ी एस्टेट में बटा हुआ था, जहाँ पे जो पीजेंट्स थे वो काम करते थे। उस समय पे उनको टीनेंट्स बोला जाता था, क्योंकि बस वो वहाँ पे काम करते थे, और उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन हो रखा था कि पूरे लैंड में से जो 15% हिस्सा है उस पर वो एक क्रॉप उगाएंगे जिसका नाम है इंडिगो। इंडिगो उस समय पे एक कैश क्रॉप थी, इंडिगो जो थी वो डाई में काम आती थी, एक स्पेशल टाइप की डाई होती है ब्लू कलर की, उसमें इंडिगो काम आता था, और फार्मर्स को उसे उगाना होता था। और वो इंडिगो उगाना ना फार्मर्स के लिए बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि उससे सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाती थी। तो पूरे हिस्से में से, यू कैन से एस्टेट के 15% हिस्से के अंदर फार्मर्स को इंडिगो उगाना होता था, इंडिगो उगता था और उससे ब्लू कलर की डाई बनती थी। अब क्या होता है, जर्मनी के अंदर सिंथेटिक इंडिगो बनना शुरू हो जाता है, सिंथेटिक इंडिगो मतलब कि फैक्ट्री के अंदर इंडिगो बनना शुरू हो जाता है। एंड एज यू नो दैट फैक्ट्री प्रोडक्ट सस्ता होता है एज कम्पेयर टू द खुद बनाया हुआ प्रोडक्ट। तो ये जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं ना, ये सोचते हैं भैया अब तो इंडिगो की वैल्यू कम हो जाएगी और ये जो 15% वाला एग्रीमेंट है इससे हमें लॉस होगा। तो ये जाते हैं पीजेंट्स के पास और कहते हैं कि एक एग्रीमेंट साइन कर लो हमारे से, हमें रिफंड दे दो, हमें कुछ पैसा दे दो, और हम तुम्हें इस एग्रीमेंट में से बाहर निकाल देंगे। जो 15% वाला एग्रीमेंट है ना, ये हम ख़त्म कर देंगे, तुम्हें कोई इंडिगो नहीं उगाना पड़ेगा, हमें पैसा दे दो। तो काफ़ी सारे जो फार्मर्स होते हैं वो तो विलिंगली इसको साइन कर देते हैं, क्योंकि इंडिगो उगाना उन्हें वैसे ही बहुत परेशानी वाला लग रहा था। कुछ होते हैं उनको फोर्सफुली कराया जाता है, विद द हेल्प ऑफ ठग्स, यानी कि गुंडों के मदद से कुछ को करवाया जाता है। अब कुछ समय बाद इन इलिटरेट फार्मर्स को पता चल जाता है कि जर्मनी के अंदर ये कोई सिंथेटिक इंडिगो बनने लग गई है, तो वो समझ जाते हैं कि उनके साथ ब्लफ हुआ है, एंड इस वजह से दे डिमांडेड रिफंड। वो कहते हैं जो हम तुमने हमसे पैसा लिया है ना एग्रीमेंट ख़त्म करवाने का, वो हमें वापस करो। एंड यही सिचुएशन है जब गांधी जी इंडिया के अंदर आते हैं और गांधी जी संभालते हैं इस चंपारण मूवमेंट को। देखो अब यहाँ पे जो इंडिगो मूवमेंट के बारे में बता रखा है ना गाइस, ये बहुत छोटा सा पिक्चर दे रखी है आपको, अगर तुम इसकी डिटेल में जाओ तो मेरा पॉलिटिकल कीड़ा बाहर निकल आएगा, वो मैं तुम्हें नहीं समझा रही हूं। आपको अपनी बुक के लिए बस इतना समझना है कि जो एग्रीमेंट साइन करवाया था उससे फार्मर से पैसा लिया गया था और फार्मर्स ने अपना वो पैसा वापस मांगा था, बस आप ये ध्यान रखना। तुम्हें बहुत शौक है पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री को समझने का, सो यू कैन चेक द दिस ऑन गूगल ऑल्सो, क्योंकि ये बहुत लंबा केस है एंड हम इसे चैप्टर के हिसाब से ही पढ़ेंगे। अब गांधी जी इंटरवेंशन करते हैं,
ओके, तो अब हम चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आ गए, जब हमें पता चलेगा एक्चुअली में गांधी जी ने चंपारण के अंदर क्या करा था और क्या कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई थी। तो सबसे पहले गांधी जी जाते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के अंदर और वहाँ जाके उनसे रिपोर्ट मांगते हैं कि मुझे रिपोर्ट दो, मुझे केस को स्टडी करना है। और वो उनको रिपोर्ट देने से मना करते हैं, कहते यू आर एन आउटसाइडर, हम तुम्हें रिपोर्ट नहीं देंगे। उसके बाद गांधी जी हार नहीं मानते हैं, वो ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन के पास जाते हैं। तिरहुत क्या है, चंपारण के ही डिस्ट्रिक्ट का एरिया है। उसके कमिश्नर के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे रिपोर्ट्स दो। तो वहाँ का जो कमिश्नर है, गांधी जी बताते हैं, वो उनको बुली करता है, यानी कि वो उनको तंग करता है, वो कहता है, उनको धमकी देता है कि तुम चंपारण छोड़ के चले जाओ। बट गांधी जी डरते नहीं हैं और गांधी जी अपनी जो प्रोसीड करते हैं अपने काम में, वो तिरहुत से जाते हैं मोतीहारी। अब मोतीहारी क्या है, कैपिटल है चंपारण की, याद रखना। अब मोतीहारी गांधी जी जाते हैंगे एंड वहाँ पर जाके वो एक हाउस के अंदर, एक घर के अंदर अपने सारे लॉयर्स के साथ में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं कि किसके साथ क्या हुआ है। ये वो बहुत लंबा केस है ये एग्रीमेंट वाला, 15% वाला, तो उसके ऊपर ये डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इन्हें वहीं पे पता चलता है कि पास ही के गांव में एक पीजन जो है उसको बहुत ही बुरी तरीके से उसके साथ मारपीट हुई है। तो गांधी जी कहते हैं नहीं, मैं उसे देखने जाऊंगा। तो गांधी जी हाथी के ऊपर बैठ के उसको देखने जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में एक पुलिस वाला आता है और उन्हें रोक देता है और कहता है कि मुझे ऑर्डर मिले कि आपको वापस लेके जाना है। तो गांधी जी उसकी बात चुपचाप मान लेते हैं। गांधी जी उसके कैरेज में बैठ के उसके साथ घर आते हैं और उस समय पे वो जो पुलिस वाला है गांधी जी को नोटिस देता है, कहता है आपको कोर्ट से ऑर्डर आया कि आप चंपारण से वापस चले जाओ। तो गांधी जी क्या करते हैं, उस ऑर्डर के पीछे ही, जो नोटिस मिला होता है उसके पीछे ही लिख के भेज देते हैं, आई डिफाई इट, मैं नहीं मानूंगा, मैं चंपारण के अंदर ही रहूंगा। तो गांधी जी ने कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई कर दिया, यानी कि गांधी जी ने एक रूल ब्रेक करा, गांधी जी अब क्रिमिनल बन गए थे। एंड इस समय पे गांधी जी को समन करा जाता है कोर्ट के अंदर। देखो, अगर तुम कोई रूल ब्रेक करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें कचहरी बुलाया जाएगा। तो गांधी जी को कोर्ट के अंदर समन करा जाता है। अगले दिन जब गांधी जी की प्रोसीडिंग्स होनी होती है, तो उस दिन गांधी जी, उससे एक दिन पहले वाली जो रात होती है ना, वो एक बहुत बिजी नाइट होती है। गांधी जी को पता होता है मैंने रूल तोड़ा है, कल मुझे कोर्ट में बुलाया जाएगा, हो सकता है मुझे जेल भी हो जाए। तो वो पूरी रात काम में लगे रहते हैं, वो बड़े बड़े लॉयर्स को लेटर्स लिख के बताते हैंगे कि तुम आ जाओ यहाँ पे, कि कल को अगर मुझे जेल हो गई तो तुम आगे का जो मैटर है वो संभालोगे। वो जो वाइस रॉय होते हैं ना बिहार के, उनको भी सारा की सारी लिखा है आपकी बुक के अंदर, वायर डाल के, पुराने ज़माने में ना तार डाली जाती थी, तो कोई मैसेज करने के लिए व्हाट्सएप नहीं होता था, वो उनको भी वाइस रॉय जो होते हैं, जो मेन हेड होते हैं पूरी स्टेट के, उनको भी पूरी की पूरी कहानी मैसेज कर देते हैं कि ये हुआ हैगा। और पूरी रात गांधी जी बहुत बिजी रहते हैं। अगले दिन सुबह जब गांधी जी कोर्ट पहुँचते हैं, तो उसमें लिखा है ब्लैक्ड बाय पीपल, सारे के सारे जो चंपारण के पीजेंट्स थे वो इकट्ठे होकर आ जाते हैं गांधी जी के सपोर्ट में। उनको लगता है जो इंसान हमारी मदद करने आया वो जेल जाने को तैयार है, तो सब लोग इकट्ठे होकर आ जाते हैं। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि सब लोग इकट्ठे होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े होने को आ गए थे। एंड इस समय पर ब्रिटिशर्स बहुत डर जाते हैं। जो वहाँ पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते हैं वो गांधी जी को कहते हैं, प्लीज़ करते हैं कि आप प्लीज़ ये जो जनता है, ये जो क्राउड है, इसको शांत कराओ। और गांधी जी बहुत पोलाइटली जो क्राउड है उसे शांत कराते हैं, कहते हैं मुझे प्रोसीडिंग्स में जाने दो। अब हमारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू होती है, तो जो हमारे जो जज होते हैं वो कहते हैं आपने रूल ब्रेक करा। तो उस समय पे गांधी जी कहते हैं यस आई एम अ रूल ब्रेकर। पूरी आपकी बुक में इन्वर्टेड कॉमर्स में लाइन लिखी है गांधी जी ने क्या बोला था। गांधी जी ने कहा हाँ मैं रूल ब्रेक कर रहा हूँ, बट मैं रूल ब्रेक ये एग्जांपल सेट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ कि हर इंसान जो है वो कोर्ट के ऑर्डर्स को ब्रेक करे। नहीं, मैंने रूल ब्रेक करा है फॉर द अपर गुड। मैंने अपनी कंसाइंस को फुलफिल करने के लिए रूल ब्रेक करा है, चाहे मैं लॉ ब्रेकर ही बन जाऊँ, बट मैंने लॉ ब्रेक क्यों करा, मैंने चंपारण के पीजेंस का भला करने के लिए ये रूल ब्रेक करा है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप मुझे क्रिमिनल कहो, चाहे आप मुझे कुछ कहो, मैंने अपर कंसाइंस, जो एक इंसान की नेकी, उन्होंने नेक काम करने के लिए ही रूल ब्रेक करा था। तो वो कहते हैं कि इफ़ यू वॉन्ट टू सेव मी अ क्रिमिनल, अगर तुम्हें मुझे सज़ा देनी है तो सज़ा दो, क्रिमिनल कहने तो क्रिमिनल कहो, मैंने एक भला काम करने के लिए ही ये जो रूल ब्रेक किया है। और इस समय पे ना देखो, फर्स्ट टाइम ऐसा था तो ब्रिटिशर्स डर गए थे। महात्मा गांधी के लिए बाहर लाखों की भीड़ खड़ी थी एंड महात्मा गांधी अंदर कह रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा चंपारण से, मैं चंपारण का जो केस है वो सुलझा के ही जाऊंगा। तो इस समय पे जो ब्रिटिशर्स होते हैं, जो ब्रिटिश का वो जो समय वहाँ पे जज भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं 2 घंटे बाद में अपनी जो सेंटेंस है, गांधी जी की जो सज़ा है वो 2 घंटे बाद दूंगा, क्योंकि उस समय पे उन्हें जो अपने अपर लीडर्स होते थे उनसे कंसल्ट करना होता था। तो उस समय वो कहते हैं गांधी जी को आप बेल भर दो अपनी और 2 घंटे बाद हम प्रोसीड करेंगे। तो गांधी जी कहते हैं मैं नहीं भरूंगा बेल, तो वो फिर उनको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी ने अपनी बेल नहीं भरी थी। 2 घंटे बाद जो कोर्ट है दोबारा शुरू होती है, और उस समय पे जो जज है, मजिस्ट्रेट जो है, वो आके कहते हैं दैट वो अपना सेंटेंस सेवरल डेज के बाद देंगे। वर्डिंग देखो बुक के अंदर, वो कहते हैं जो हमारा
जो सेंटेंस होगा वो सेवरल डेज के बाद मिलेगा। इतने समय के लिए गांधी जी पीसफुली जो कुछ करना चाहे चंपारण के अंदर कर सकते हैं। तो दिस वॉज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ गांधी जी। गांधी जी खिलाफ खड़े हुए ब्रिटिशर्स के, सारे लोग जब उनके इकट्ठे आए ना तो ब्रिटिशर्स एकदम से डर गए थे। उन्हें लगा अगर अभी हमने गांधी जी को जेल में डाल दिया ना तो बड़ी वाली हो जानी है प्रॉब्लम। तो गांधी जी को वो चुपचाप छोड़ देते हैंगे। वो जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो जो केस होता है उसको आगे कर देते हैंगे, आगे चल के पता चल रहा है ये जो केस है अपने आप खत्म हो जाता है। तो दिस वॉज द फर्स्ट बिग विक्ट्री। और गांधी जी भी समझ जाते कि भैया अगर इंडियंस को यूनाइट कर दिए तो ब्रिटिशर्स को हम तो गांधी जी को काफ़ी मोहलत मिल जाती है कि वो अपनी पीसफुल प्रोसीडिंग्स कर सके। तो गांधी जी अपने जो ये इतने लॉयर्स होते हैं जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, उनसे पूछते हैं कि बाय चांस अगर मुझे जेल हो गई तो तुम लोग क्या करोगे। तो उस समय पे लॉयर्स कहते हैं कि देखो हम तो आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं, अगर आपको जेल हो गई तो हम अपने घर वापस चले जाएंगे। तो उस समय पे जब ये बात बोले ही होती है तो राजेंद्र प्रसाद को रियलाइज़ होता है कि गांधी जी एक आउटसाइडर बाहर से आई है साउथ अफ्रीका से अभी अभी, एक पीजन के कहने पे ये खुद को जेल में डलवाने तक को तैयार हो गए हैं। और हम जो बिहार के अंदर ही रहते हैं और हम ही अगर बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट के जो पीजन्स हैं उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, अगर हम ही उनसे मोटी मोटी फीस लेंगे तो क्या भला होगा सोसाइटी का। नहीं तो उस समय पर राजेंद्र प्रसाद समझ जाते हैं गांधी जी के लेसन को और वो कहते हैं कि अगर आपको जेल हुई तो हम सब आपके साथ जेल जाएंगे। तो दैट मीन्स वो भी अपने आप को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर लेते हैं। एंड इस समय पे गांधी जी कह देते हैं द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। जिस टाइम पे ये सारे लॉयर्स कहते हैं ना कि अगर आप जेल जाओगे तो हम भी चले जाएंगे, तो उस समय पे गांधी जी कहते हैं हमने जीत ली सारी की सारी जो बैटल हैगी। बिकॉज यही था ब्रिटिशर्स क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल। अब जब लॉयर्स साथ में खड़े होने को आ गए हैं ना पीजेंस के, तो आधा केस तो ऐसे ही सॉल्व हो गया था। अब सारे लॉयर्स और गांधी जी मिलकर पूरा अपनी इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाते हैं और स्टार्ट कर देते हैं अपने काम को। एंड दिस वॉज द फर्स्ट ट्रायम्फ ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस। ये पहली बार ऐसा हुआ था इंडिया के अंदर सिविल डिसोबीडियंस हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मतलब क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स कह रहे थे वो हम नहीं मान रहे थे, इसको कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस। गांधी जी ने पूरा एक पीस ऑफ पेपर कट करके सबको इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना हैगा। एंड सेवरल डेज बाद गांधी जी को रिटर्न ऑर्डर में मिल जाता है कि जो उनका केस है कौन देता है उनको, लेफ्टिनेंट जो गवर्नर होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के उस एरिया के, वो उनको बताते हैं कि जो उनका केस है वो खत्म हो चुका होता है, उसको कैंसिल कर दिया गया होता है। अब गांधी जी के ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स आगे नहीं चलेगी। तो अब गांधी जी जोरों शोरों से अपने काम पर लग जाते हैं। कौन से काम पर, ये तो उसके बाद गांधी जी अपने काम पे शुरू हो जाते हैं। वो फार फ्लंग इंक्वायरी बिठाते हैं। गांधी जी एंड सारे लॉयर्स मिलके हर एक फार्मर से बात करते हैं। ऑलमोस्ट 10,000 फार्मर्स जो है वो उनको आके अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। वो रिटर्न में उनकी प्रॉब्लम विद एविडेंसेस रिकॉर्ड करते हैंगे। एंड ये सबसे बड़ा जो आप कह सकते हो प्रूफ थे उनके पास कि लैंडलॉर्ड्स उनके साथ गलत करते हैं। ठीक है, तो 10,000 फार्मर्स की इतनी बड़ी रिपोर्ट गांधी जी और उनके लॉयर्स मिलकर रेडी कर लेते हैं और एक बहुत बड़ा टास्क था ये। अब जून में उनको बुलाया जाता है बाय सर एडवर्ड गेट। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे चंपारण के, वो गांधी जी को बुलाते हैं। अब जब वो गांधी जी को बुलाते हैं ना तो गांधी जाते समय पूरा डिटेल प्लान अपने लॉयर्स को बता के चल जाते हैं कि अगर मैं वापस नहीं आया, मुझे इन्होंने जेल में डाल दिया, कुछ कर दिया, तो आपको आगे की प्रोसीडिंग्स करनी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो चार बार गांधी जी के साथ इंटरव्यू करते हैं और गांधी जी से इतनी सारी बातचीत करने के बाद वो क्या बनाते हैं, एक ऑफिशियल कमीशन बना देते हैं फॉर इंक्वायरी ऑफ शेयर क्रॉपर्स। अब एक कमेटी बन गई, एक सेपरेट बॉडी बन गई है जो ये शेयर क्रॉपर है और जो ये लैंडलॉर्ड है, इनके बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में डिस्कस करेगी। अब ये कमेटी बनती है, उसके अंदर जो फार्मर्स की तरफ से, पीजेंट्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, गांधी जी अकेले सोल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गांधी जी, और बाकी लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स बड़े बड़े, वो मिलकर जो कमेटी है उसकी प्रोसीडिंग्स को अटेंड करते हैं। गांधी जी इतने बड़े बड़े एविडेंस ला के रख देते हैं ना सामने 10,000 पीजेंट्स के, इन्होंने ये करा, इन्होंने ये करा, इन्होंने ये करा, तो लैंडलॉर्ड्स को अपनी गलती माननी पड़ती है। एंड दे एग्री टू रिफंड, वो कहते हैं ठीक है हमने जो पैसा हट पाया हम वो वापस कर देंगे। अब वो कहते हैं हाउ मच, क्या आप 100% मांगोगे हमसे, तो गांधी जी 100% नहीं मांगते, गांधी जी 50% ही सिर्फ रिफंड करने को कहते हैं। ठीक है, अब जो लैंडलॉर्ड्स है वो क्या कहते हैं, हम देंगे 25%। और कुछ लोगों को लगता है कि गांधी जी 25% पे नहीं मानेंगे और ये केस ऐसे ही आगे खिंचता चला जाएगा, बट नहीं, गांधी जी 25% पे अग्री कर जाते हैं एंड वो इस डेड लॉक को एंड कर देते हैं। अब वो लॉक जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी थी उसको ख़त्म कर देतेंगे। अब इस समय पे कुछ लोग गांधी जी को गलत कहते हैं कि वो 25% पे मान गए, पीजेंस का तो कोई भला ही नहीं हुआ, बट नहीं, गांधी जी खुद को जस्टिफाई करते हैं। वो कहते हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये बड़े बड़े ब्रिटिश लैंडलॉर्ड
जो है इन्होंने सरेंडर करा है, ये हमसे ढंग से बोलते तक नहीं है, बट नो, इन्होंने अपनी गलती मानी है, रिफंड करने को तैयार है, इन्होंने अपनी प्राइड को सरेंडर करा है, और अब जो पीजेंट्स हैं उनको अपने सेपरेट राइट्स मिल गए हैं, अब कमेटी बैठ गई है तो उनको अपने राइट्स भी मिल गए हैं, तो ये लॉन्ग रन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और ऐसा होता भी है, कुछ समय के बाद ही जो ब्रिटिश प्लांटर्स हैं वो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग को ख़त्म कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं वहाँ से। तो विद दिस हमारी चंपारण विक्ट्री हो जाती है। गांधी जी जो प्रॉब्लम राजकुमार के कहने पे हेल्प करने आते हैंगे, वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। अब गांधी जी को इस जो ये सब कुछ हुआ उसमें ऑलमोस्ट 7 मंथ्स लग जाते हैं। गांधी जी आते तो एक दिन के लिए है, बट 7 महीने गांधी जी चंपारण के अंदर ही रहते हैं, उसके बाद रेगुलरली विजिट करते रहते हैं। एंड गांधी जी देखते हैं, उनको पॉलिटिक्स में घुसने का शौक बिल्कुल नहीं होता। गांधी जी वहाँ की सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं, चंपारण की बहुत बेकार होती है ना, स्कूल है, जो लेडीज़ हैं वो बहुत बुरे तरीके से रह रही होती है, तो गांधी जी वहाँ पर भी कुछ तरक्की लाने की कोशिश करते हैं, कुछ डेवलपमेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट 5 मिनट्स का चैप्टर है, लेट्स ओके। तो बस हम लास्ट पार्ट पे आ गया चैप्टर के, पढ़ते गांधी जी ने चंपारण के अंदर सोशल इकोनॉमिक चेंजेस लाने की क्या क्या करा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इस पार्ट के ऊपर से, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले वो दो टीचर्स को बुलाते हैं, महादेवी देसाई और नरहरी पारेख, 1 मार्कर है, बुलाते हैं वॉलंटियर करने के लिए कि वो वहाँ पे आके स्कूल में पढ़ाए, और उनकी वाइफ्स भी उनको ज्वाइन करती हैं। फिर वो बॉम्बे और पूना से बाकी लोगों को भी बुलाते हैं हेल्प करने के लिए। उनके जो यंगेस्ट सन थे, सबसे छोटे बेटे उनके देवदास, वो भी आते हैं, और उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी वो भी आती हैं। वो 6 विलेजेस के अंदर प्राइमरी स्कूल इस्टेब्लिश करते हैं, और वहाँ पर जो टीचर्स वो वॉलंटियर करते हैंगे। उनकी जो वाइफ होती हैं उनका काम क्या होता है, जो आश्रम की क्लीनलीनेस और सैनिटेशन वाले रूल्स होते हैं वो चंपारण के लोगों को सैनिटेशन, पर्सनल क्लीनलीनेस के बारे में अवेयर करती हैंगे। एट द सेम टाइम वहाँ पे कोई हेल्थ सेंटर नहीं होता, कोई हॉस्पिटल नहीं होता है, तो वो डॉक्टर्स को भी बुलाते हैं वॉलंटियर करने के लिए गांधी जी। एंड डॉक्टर्स 3 मेडिसिन निकालते हैंगे, अगर किसी को कोल्ड टंग होती है, टंग में प्रॉब्लम होती है, तो उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता है, अगर मलेरिया का फीवर होता है तो किनाइन प्लस कैस्टर ऑयल, और कोई स्किन डिजीज होती है तो ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, यहाँ अलग से लिखा है, एग्जाम में 100% इस पे से क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो ये 3 दवाइयाँ मिलती थी चंपारण के अंदर। एंड एट द सेम टाइम गांधी जी ने एक बार ही नोटिस करा फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ, यानी कि जो वहाँ के चंपारण की लेडीज थी ना, उनके कपड़े बहुत गंदे मैले हुआ करते थे। तो गांधी जी अपनी वाइफ को कहते हैं कि वो इस मैटर के ऊपर डिस्कस करें। तो जो उनकी वाइफ थी वो एक बार एक लेडी से बात करती है, और वो लेडी उनको अपने घर ले जाती है, वो दिखाती हैं कि मेरे घर के अंदर ना ही कोई बॉक्स है, ना ही कोई कबर्ड है जहाँ पे मैं कपड़े रख सकूँ, सेकेंडली मेरे पास बस एक ही साड़ी है, तो इस वजह से ये बहुत गंदी रहती है। तो हमें यहाँ पे पॉवर्टी दिखा रहे हैं, कितनी ज़्यादा पॉवर्टी थी उस समय पे हमारे चंपारण के अंदर। और गांधी जी जितने समय चंपारण के अंदर रहे वो आश्रम के ऊपर अपना वॉच रखते थे, आश्रम को मेल भेजते रहते थे आश्रम में अपने फाइनेंस अकाउंट्स मांगने के लिए, और उनका एक लेटर है जिससे हमें पता चलता है कि वो एक एक चीज़ को संभालते थे अपने हाथों से। फॉर एग्जाम्पल वो अपना एक वहाँ पे ऑर्डर भेजते हैंगे कि जो ओल्ड वॉशरूम्स थे, जो ओल्ड टॉयलेट्स थे, उनके लिए नए ट्रेंचेस बना दिए। पहले ज़माने में कोई पक्के टॉयलेट्स नहीं होते थे, बस गड्ढे बनाए होते थे, तो वो कहते हैं जो पुराने गड्ढे हैं उनको ढक दिया जाए, उनमें से स्मेल आएगी, और न्यू गड्ढे बना दिए जाए, यानी कि न्यू ट्रेंचेस बना दिए जाए। तो दिस शोज दैट गांधी जी एक तो प्रीजेंट्स के लिए भी ध्यान रख रहे हैं, वहाँ पे सोशो कल्चर डेवलपमेंट भी रहा है, एट द सेम टाइम उन्हें अपने आश्रम के बारे में भी सब कुछ ध्यान रखना था। एंड एट दी एंड जो ये चंपारण एपिसोड था ना, दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट। गांधी जी कहते हैं कि मेरा जो काम था वो एक बहुत ऑर्डिनरी वर्क था, मैंने कोई बड़े झंडे नहीं गाड़े हैं, मैंने बस क्या करा है, मैंने ब्रिटिशर्स को बता दिया कि मैं उनके ऑर्डर्स नहीं मानूंगा अपनी कंट्री में रह के, अगर मैं कोई काम सही कर रहा हूँ तो मैं अपनी मर्जी करूँगा। गांधी जी ऐसे कहते हैं। एंड गांधी जी ये कहते हैं फ्री इंडिया हमारा तभी स्टार्ट होगा जब इंडिया अपने पैरों पे खड़ा होगा। अब एक और हमें इसमें इंसिडेंट बता रखा है जिसमें गांधी ने सेल्फ रिलायंट होने का यानी कि आत्मनिर्भर होने का मैसेज दिया है। फॉर एग्जांपल चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू, ये एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, ये एक इंग्लिश मैन थे, अंग्रेज थे, जिनको नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, और ये गांधी जी के काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स भी थे। तो ये गांधी जी को गुड बाय करने आते हैं चंपारण के अंदर, जब ये चंपारण इशू चल रहा होता है, वो फिजी आइलैंड्स पे अपनी ड्यूटी करने जा रहे होते हैं, तो ये गांधी जी को फेयरवेल यानी गुड बाय करने आते हैं। तो उस समय पे गांधी जी के जो रॉयल जो लॉयर फ्रेंड्स थे ना, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद वगैरह हो गए, वो उन्हें कहते हैं कि हम ना इनकी हेल्प ले लेते हैं एंड्रयू की, अगर हम एंड्रयू को अपनी साइड पे रखेंगे ना तो ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमसे थोड़ा डरेंगे, हमारे साथ नेगोशिएट आसानी से कर लेंगे। तो इस समय पे गांधी जी कहते हैं कि यस, हम एक अनइक्वल फाइट लड़ रहे हैं, हाँ हम कमज़ोर है, ब्रिटिशर्स मजबूत है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हीं के एक आदमी का सहारा लें। ही सेड दैट अगर हमें ये लड़ाई लड़नी है तो वी विल बी सेल्फ रिलायंट, चाहे हम वीक ही क्यों ना हो, हम एंड्रयू का सहारा नहीं लेंगे। वो कहते हैं कि एंड्रयू को एज अ प्रॉप यूज़ करने की मत समझो, ये मत सोचो कि
एंड्रयू हमारी मदद कर देंगे, नहीं, ये लड़ाई हमें अकेली लड़नी है। एंड एट दिस टाइम राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं, ही रीड आवर माइंड्स, एग्जाम में आ सकता है, हु सेड ही रीड आवर माइंड्स। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि गांधी जी एक सेकंड में समझ गए जब हमने एंड्रयू को रोकने की बात करी कि वी वांट टू टेक हिज हेल्प, हमें डर लग रहा था अंग्रेजों से लड़ाई में, हम उनकी हेल्प लेना चाह रहे थे, तो ही सेड गांधी जी ने हमारा दिमाग पढ़ लिया और हमें लेसन दिया ऑफ बींग सेल्फ रिलायंट। सबसे बड़ा लेसन गांधी जी ने क्या दिया था, बींग सेल्फ रिलायंट, हमें ब्रिटिशर्स पर निर्भर नहीं रहना है, हमें अपने पैरों पर खुद खड़ा होना है। तो विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा हिस्ट्री पॉलिटिकल इंग्लिश मिक्स चैप्टर है ये, तो यू जस्ट टेक केयर ऑफ द लिटरेचर पोर्शन। इसके आंसर्स तुम्हें मिलेंगे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे। आई होप तुम्हें एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी गिवन है, नोट्स का लिंक भी गिवन है, और जितनी भी प्लेलिस्ट है इंग्लिश के क्लास 12 के हर एक चैप्टर की वो जाके आप पढ़ सकते हो। एंड इफ यू हैव अदर सब्जेक्ट्स सच एज पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन, यू कैन गो एंड स्टडी। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक all the students.